हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक गुरु जी के इस नए एपिसोड में। मेरा नाम है सुधीर पटेल। दोस्तों, इस एपिसोड में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपने जिस फाइल को इंटरनेट से आपने जो भी कुछ डाउनलोड किया है दोस्तों, क्या उसमें वायरस है या नहीं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उन लोगों के लिए जो इंटरनेट से दोस्तों मोस्टली बहुत सी सारी चीजें डाउनलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इंटरनेट से दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आप वायरस से कैसे बच सकते हैं। बताने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे टेक गुरु जी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन अर्निंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी ऐसे बहुत सारे वीडियोज लेके आता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में एंटीवायरस है तो आप दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि आपने जो भी फाइल इंटरनेट से डाउनलोड किया है वो उसमें वायरस है या नहीं। दोस्तों, कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल में जो एंटीवायरस वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। दोस्तों, जो भी आप फाइल या फिर सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो आपको कैसे पता चल पाएगा कि इसमें वायरस है या नहीं, क्योंकि दोस्तों आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर, आपने देखा रहेगा सॉफ्टवेयर जिप फाइल और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के एक्टिवेटर, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है दोस्तों उसमें वायरस होने का, तो आपको कैसे पता चल पाएगा इसमें वायरस है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक वेबसाइट जहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि जो आपने सॉफ्टवेयर या फिर जिप फाइल या फिर एक्टिवेटर या फिर इंटरनेट से कुछ भी अगर आपने डाउनलोड किया है तो इसमें वायरस है या नहीं, वो आसानी से पता कर। दोस्तों, मैं आपको पता रहेगा कि मेरे लास्ट काफ़ी वीडियोस में मैंने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर और या फिर ऐसे नए वेबसाइट के बारे में बताया है जिससे आपको आपको पता भी नहीं था, आपको शौक हो गए। तो दोस्तों, आज भी मैं ऐसे कुछ वेबसाइट के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वेबसाइट का नाम है वायरस टोटल। जी हाँ दोस्तों, www.virustotal.com। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दूंगा, वहाँ से भी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, फाइल, URL और सर्च। फाइल में दोस्तों जो भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है अपने डेस्कटॉप पे या फिर किसी ड्राइव में, आप जब भी वेबसाइट ओपन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं। फाइल के बाद यहाँ पे चूज ऑप्शन का दिया हुआ है, चूज ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करिएगा। जो भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है उसको क्लिक करके उसके बाद दोस्तों सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं सर्च इट नीचे लिखा हुआ है। सर्च इट करने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली ये बता देगा इस फाइल के अंदर वायरस है या नहीं। तो आसानी से दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि आपने जो सॉफ्टवेयर या फिर एंटीवायरस कुछ भी दोस्तों आपने जो डाउनलोड किया है उसके अंदर वायरस है या नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप वायरस से कैसे बच सकते हैं एक छोटे से वेबसाइट से। दोस्तों, इसी तरीके से मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।